जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। दिल्ली हाई कोर्ट ने 2017 बैच के आईएएस और आईपीएस कैडर एलोकेशन को स्क्रैप कर दिया है। अब ये क्यों किया है वो हम इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे, और बेसिकली जो नई पॉलिसी आई है कैडर एलोकेशन को लेकर, ये क्या है, ये क्यों लाई गई है वो भी हम समझने की कोशिश करेंगे। और काफ़ी एस्पिरेंट्स को ये सवाल होता है कि क्या उन्हें होम कैडर मिल सकता है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो है। आप मुझे फेसबुक या फिर इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, आपकी कोई भी क्वेरीज है तो आप मैसेज भी कर सकते हो। और अलग अलग वीडियोस अवेलेबल है अलग अलग सब्जेक्ट्स के, उसी के साथ साथ टेस्ट सीरीज़ भी आपको नज़र आएगी जो कि आपको वेरियस एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकती है। तो आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर अलग अलग जो प्लेलिस्ट है अलग अलग सब्जेक्ट्स की वो आप देख सकते हो। उसी के साथ साथ अभी रिसेंटली मैंने ट्विटर अकाउंट भी ओपन किया है, तो आप मुझे ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हो और आप मुझे टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो, लिंक सभी की डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। अब देखिए बेसिकली न्यूज़ क्या है। तो दिल्ली हाई कोर्ट ने जो कैडर एलोकेशन है आईएएस और आईपीएस ऑफिसर्स 2017 बैच के, उन्हें स्क्रैप कर दिया है और सेंट्रल गवर्नमेंट को कहा है कि फ्रेश कैडर जो है यहाँ पर अलॉट किए जाए, क्योंकि जो आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स है उन्होंने एक पिटिशन दाखिल किया था दिल्ली हाई कोर्ट में कि जो नई पॉलिसी आई है उसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रहा है, उसी के साथ साथ जो उन्हें कैडर एलोकेट किए गए हैं वो उनके प्रिफ्रेंस के हिसाब से नहीं है, जबकि उनसे जो लोअर जो रैंक वाले ऑफिसर्स हैं उन्हें जो हायर कैडर है जो उन्होंने पसंद किया था वो मिल गया पर उन्हें नहीं मिल पाया। तो इसीलिए यहाँ पर दिल्ली हाई कोर्ट ने इस एलोकेशन को स्क्रैप कर दिया है और कहा है कि नया एलोकेशन जो है यहाँ पर दिया जाए जो कि ज़्यादा ट्रांसपेरेंट हो। कैडर मतलब क्या होता है? कैडर मतलब होता है स्टेट, जहाँ पर जो भी ऑफिसर्स हैं वो पोस्ट किए जाते हैं, जैसे कि यूपी कैडर, बिहार कैडर, केरला कैडर। तो यहाँ पर क्या होता है, अगर आपको यूपी मिलता है तो आप यूपी कैडर में जा रहे हो और वहाँ पर आपकी जो ज़िंदगी आप सर्व कर रहे हो। लेकिन जो एक कैडर से दूसरे कैडर में ट्रांसफ़र होती है तो क्या वो की जा सकती है? तो उस पर मैंने सेपरेट वीडियो बनाया है जिसकी लिंक आपको यहाँ पर नज़र आएगी। तो ट्रांसफ़र पॉलिसी जो है उसमें आपको पता चलेगा किस तरीके से कैडर टू कैडर ट्रांसफ़र भी आप कर सकते हो, उसकी कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स है। अब ये जो कैडर है वो कौन अलॉकेट करता है? तो डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग DOPT ये अलॉट करते हैं, और ये कई चीज़ों पर डिपेंड करता है, जैसे कैंडिडेट का जो रैंक है, कैडर प्रिफरेंस क्या दिया हुआ है, वैकेंसीज कितनी है उस कैडर में। अब देखिए 2017 के पहले तक क्या हुआ करता था कि आपको सीधा स्टेट जो है वो प्रीफर करना पड़ता था। अब अगर आपने स्टेट प्रीफर कर दिया है, आपकी रैंक अच्छी है, उसी के साथ साथ वैकेंसीज़ है, तो आपको वो कैडर मिल जाएगा। जैसे कि कोई इंसान है उत्तर प्रदेश का, उसने उत्तर प्रदेश जो है फर्स्ट प्रीफरेंस दिया हुआ है, और अगर वो समझता है कि उत्तर प्रदेश उसे नहीं मिल सकता है तो बिहार भर देगा क्योंकि एकदम पास में आता है, या फिर मध्य प्रदेश भर देगा। तो इस तरीके से जो उत्तर प्रदेश का इंसान है वो आजू बाजू के स्टेट्स ही अपने प्रीफरेंस में देता था, लेकिन इस वजह से जो इंटीग्रेशन है, नेशनल इंटीग्रेशन, वो नहीं हो पा रहा था। मतलब उत्तर प्रदेश का जो एक इंसान है वो साउथ में जाके सर्व नहीं कर पा रहा था। इसी वजह से ये नई पॉलिसी लाई गई जिसमें स्टेट्स को जोन में बांटा गया। अब आसान भाषा में आपको आगे समझाऊंगा ही इस बारे में। तो ये बेसिकली नई पॉलिसी क्यों लाई गई है? ताकि इंटीग्रेशन जो है वो किया जा सके, एक उत्तर प्रदेश का इंसान साउथ में भी सर्व कर सके। अब नए रूल्स क्या हैं? तो नए रूल्स के मुताबिक यहाँ पर आपको स्टेट जो है वो नहीं दिए जाने वाले हैं, यहाँ पर आपको जोन्स देने वाले हैं। मतलब क्या है कि जैसे आपको उत्तर प्रदेश कैडर दिया जाता था, उत्तर प्रदेश आप फर्स्ट प्रेफरेंस दे रहे हो, फिर बिहार दे रहे हो, राजस्थान दे रहे हो, तो अब आपको यहाँ पर जोन्स दिए जा रहे हैं। जोन वन में अखनूर, जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, ये स्टेट्स है। मतलब देखिए पूरा एक झुंड जो है आजू बाजू का वो पूरा एक इसमें दिया हुआ है। जोन टू अगर हम देखते हैं तो उसमें उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, ये दिए हुए हैं। जोन थ्री में गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ये दिए हुए हैं। जोन फोर अगर हम देखते हैं तो वेस्ट बंगाल, सिक्किम, आसाम, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, और जोन फाइव अगर हम देखते हैं तो तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरला, मतलब पूरे साउथ के स्टेट्स हैं। अब ये नए रूल में क्या होता है, कैंडिडेट को सबसे पहले जो जोन्स है उसे प्रेफरेंस देना पड़ता है। मतलब अगर आप जोन थ्री है उसे पहला प्रेफरेंस दे रहे हो, या फिर जोन टू है उसे पहला प्रेफरेंस दे रहे हो, फिर इस तरीके से जो पांचों जोन है उसे आपको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, इस तरीके से प्रेफरेंस देना पड़ेगा। उसके बाद आपको उसमें जो स्टेट दिए गए हैं उसमें प्रेफरेंस देना पड़ेगा। मतलब देखिए इस तरीके से, अब जोन फाइव जो है उसमें अगर आपने फर्स्ट प्रेफरेंस जोन फाइव को दिया हुआ है, जोन थ्री को आपने सेकेंड प्रेफरेंस दिया हुआ है, जोन टू को आपने थर्ड प्रेफरेंस दिया हुआ है, जोन
वन को अगर आपने फोर्थ प्रेफरेंस दिया हुआ है और जोन फोर को आपने फिफ्थ प्रेफरेंस दिया हुआ है। अब इसमें क्या होगा, सबसे पहले तो आपका ये जोन देखा जाएगा। अब हर एक जोन में भी आपको प्रेफरेंस देने हैं स्टेट्स को। जैसे कि यहाँ पर राजस्थान को आपने फर्स्ट प्रेफरेंस दिया है जोन वन में, जिसे आपने फोर्थ एलोकेशन में दिया था। फिर उसके बाद जोन टू में आपने उत्तर प्रदेश को फर्स्ट प्रेफरेंस दिया है, जोन थ्री में आपने महाराष्ट्र को फर्स्ट प्रेफरेंस दिया है, जोन फोर में आपने वेस्ट बंगाल को दिया है और जोन फाइव में आपने केरला को दिया है। अब यहाँ पर सिलेक्शन किस तरीके से होगा आप देखिए, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। सबसे पहले तो देखा जाएगा आपका जोन कौन सा है फर्स्ट प्रेफरेंस में। तो जोन कौन सा है, तो जोन फाइव है फर्स्ट प्रेफरेंस में। मतलब सबसे पहले आपका आ जाएगा जोन फाइव। ये सिलेक्शन किस तरीके से होगा वो मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले आपका फर्स्ट प्रेफरेंस देखेंगे जोन का, जोन फाइव फर्स्ट प्रेफरेंस है, उसमें कौन सा स्टेट है, तो केरला है। उसमें आपका देखा जाएगा केरला में वैकेंसी है, आपका रैंक कितना है और वैकेंसी है। अगर आपको केरला नहीं मिल पा रहा है ये कैंसिल हो जाएगा। फिर उसके बाद दूसरा जोन देखेंगे जिसमें आपने जोन सेकंड प्रेफरेंस जो दिया हुआ है, तो किसको दिया है, जोन थ्री को दिया हुआ है। तो फिर नेक्स्ट जोन आएगा जोन थ्री। मतलब देखिए जोन फाइव में केरला अगर आपको नहीं मिलता है तो उसका कर्नाटका नहीं लिया जाएगा जिसको आपने सेकंड प्रेफरेंस दिया था। पहले फर्स्ट प्रेफरेंस जोन का है उसमें अगर फर्स्ट प्रेफरेंस स्टेट नहीं मिलता है तो दूसरे नंबर का जोन देखा जाएगा, दूसरे नंबर का स्टेट नहीं देखा जाएगा उसी जोन में। तो यहाँ पर जोन थ्री जो है उसे आपने सेकंड प्रेफरेंस दिया था, उसमें पहला कौन सा डाला हुआ है, महाराष्ट्र डाला हुआ है। तो महाराष्ट्र देखा जाएगा आपको महाराष्ट्र मिलता है क्या। यहाँ पर भी अगर आपको नहीं मिल पा रहा है महाराष्ट्र आपकी रैंक और वैकेंसी के हिसाब से तो ये भी कट हो जाएगा। फिर थर्ड जोन कौन सा डाला है आपने, तो जोन टू डाला हुआ है। फिर जोन टू जो है उसे देखा जाएगा, जोन टू में कौन सा डाला है, उत्तर प्रदेश डाला है। फिर उत्तर प्रदेश में वैकेंसी है क्या, ये है क्या, वो देखा जाएगा। ये भी अगर आपको नहीं मिलता है तो ठीक है। फिर उसके बाद कौन सा प्रेफरेंस डाला है आपने, जोन वन डाला है। तो जोन वन जो है वो देखा जाएगा, जोन वन में कौन सा डाला है, राजस्थान डाला है। राजस्थान देखा जाएगा आपको मिल रहा है क्या, नहीं मिल रहा है। उसके बाद फिर लास्ट आता है जोन फोर, ये आपने डाला हुआ है लास्ट प्रेफरेंस, उसमें कौन सा डाला हुआ है, वेस्ट बंगाल डाला हुआ है। तो वेस्ट बंगाल देखा जाएगा, वेस्ट बंगाल आपको मिल रहा है क्या। ये भी अगर नहीं मिल रहा है तो फिर उसके बाद फिर से यही प्रोसेस जो है वापस शुरू की जाएगी। मतलब यहाँ पर देखिए आप कि प्रेफरेंस किस तरीके से लिए जा रहे हैं, केरला, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, वेस्ट बंगाल। मतलब देखिए पूरा भारत यहाँ पर कवर हो रहा है ना। ऐसा नहीं है कि आपने आजू बाजू के जो स्टेट्स हैं आपके होम कैडर के वही डाले हुए हैं। यहाँ पर आपका प्रेफरेंस जो है इस तरीके से देखा जा रहा है, मतलब पूरे इंडिया में आपका कवर हो रहा है। अगर आपका जो जोन वाइज है वो नहीं मिलता है, फिर उसके बाद जो हर जोन में सेकेंड प्रेफरेंस है वो देखा जाएगा। फिर से आपका पूरे जोन कंप्लीट हो गए, इसमें आपको नहीं मिला, फिर से जोन वन देखा जाएगा। जोन वन मतलब कौन सा, पहला प्रेफरेंस कौन सा था आपका, फाइव था। तो जोन फाइव फिर से देखा जाएगा, उसमें सेकेंड प्रेफरेंस कौन सा डाला था, कर्नाटका। तो फिर आपका कर्नाटका जो है वो कंसिडर किया जाएगा। अब कर्नाटका भी अगर आपको नहीं मिलता है, फिर उसके बाद जोन थ्री, जोन थ्री में आपने सेकेंड प्रेफरेंस कौन सा डाला है, तो मध्य प्रदेश डाला है। तो इस तरीके से ये जो प्रोसेस है वो देखी जाएगी, फिर आपको कौन सा मिलता है वो देखा जाएगा। मतलब कि यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर पूरा इंटीग्रेशन हमको देखने को मिल रहा है। मतलब पूरा भारत जो है वो आपको कैडर में अलोकेट किया जा रहा है। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है कि क्या होम कैडर मिल सकता है, तो मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है। मतलब देखिए कि अगर आपका होम कैडर जो है वो है केरला, अब केरला आपने जोन फाइव मतलब जोन पहला प्रेफरेंस दिया हुआ है और केरला जो उसे फर्स्ट प्रेफरेंस दिया हुआ है, तो सबसे पहले देखा वही जाएगा जोन फाइव और केरला, यही देखा जाएगा। लेकिन अगर आपकी रैंक के हिसाब से, आपका जो वैकेंसीज है उसके हिसाब से अगर आपको ये नहीं मिल रहा है तो होम कैडर नहीं मिलेगा। लेकिन पहले क्या हुआ करता था, जो एस्पिरेंट्स है वो केरला मतलब होम कैडर जो है वो पहले डाल दिए, दूसरे प्रेफरेंस पे कर्नाटका डालेंगे, तीसरे प्रेफरेंस पे तमिलनाडु डालेंगे, मतलब पूरे साउथ के स्टेट्स डालेंगे। मतलब ये नहीं मिलता है तो फिर ये देखा जाएगा कर्नाटका, ये भी नहीं मिलता है तो ये देखा जाएगा, फिर उसके बाद ये भी नहीं मिलता है तेलंगाना देखा जाएगा, तेलंगाना मिल गया। तो इस तरीके से पहले हुआ करता था। लेकिन अब क्या है, अब केरला देखा जाएगा, उसके बाद सीधा फिर जोन टू जो आपने डाला हुआ है उसका महाराष्ट्र, मतलब महाराष्ट्र जो है वो टेस्ट किया जाएगा, ना कि कर्नाटका। तो क्या आपको होम कैडर मिल सकता है, बिल्कुल मिल सकता है, अगर आपका रैंक और वैकेंसी सब कुछ मैच होती है तो। तो ये है हमारे वीडियो का एंड। मैं उम्मीद करता हूँ आपको जो कैडर एलोकेशन है वो समझ में आ गया होगा। और दिल्ली हाई कोर्ट ने इसे स्क्रैप करने का जो मकसद है वो यही है कि गवर्नमेंट ने पूरी तरीके से इसे एक्सपोज नहीं किया है, क्यों इन्होंने इस तरीके से लाया हुआ है और ये किस तरीके से प्रेफरेंस जो है ये दिए जा रहे हैं, क्यों किसी एस्पिरेंट को उसका जो प्रिफरेंशियल कैडर है वो नहीं मिल पा रहा है, ये सब कुछ न दर्शाने के वजह से ये जो एलोकेशन है इसे स्क्रैप किया गया और फिर से एलोकेट करने को कहा गया है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।